क्या हाल है। अच्छा, आज के लेक्चर में ना मैं आपको बताऊंगा कि आपने HSC पे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट कैसे बनाना है, जो कि आपका अकाउंट आपने अगर आप मेरे देखें वीडियोस तो बहुत हैं यूट्यूब पे, जिस तरह मैं इस वीडियो पे अकाउंट बनाऊंगा ना, ठीक है, अगर आप मेरे दिए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप देखना ये अकाउंट जो है वो ईजिली अप्रूव हो जाएगा। जिस तरह मैंने ये अकाउंट मैं बनाऊंगा रजिस्टर्ड करूंगा, ठीक है, तो आपने ना उसी तरह ही रजिस्टर्ड करना है। अच्छा, आपने गूगल पे लिखना है HSC ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, उसके बाद आपने आना है रजिस्टर्ड पे, ठीक है, क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास लॉगिन डिटेल नहीं है। आप रजिस्टर्ड पे जाएं। अभी रजिस्टर्ड पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ फील्ड्स आ गई हैं। अब वो कह रहा है कि काइंडली फिल द फॉर्म कम्प्लीटली अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब पहले तो आप ये समझ लें कि ये फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, आपने सेम वही लिखने, अगर आप वो लिखेंगे तो ये अकाउंट अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास CNSE फ्रंट इमेज और CNSE बैक इमेज होना लाजमी है। आप इसको कैम स्कैनर से स्कैन करके क्लियरली वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बैंक हो आपके पास, बैंक नेम हो, ओनर नेम हो, अकाउंट नंबर हो, और उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब जैसे मैं लिखता हूँ हमाद मलिक, ईमेल एड्रेस hamad378@gmail.com। अब इस पर हमने पासवर्ड लगाना है। ये आपने पासवर्ड लगाना पासवर्ड लगाने के बाद अब ये पासवर्ड आपने कहीं पर सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाएं। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देना अपना, ठीक है, 92 की फॉर्म में। अब आपने नंबर देना यहाँ पर, ये आपने +9 की फॉर्म में बेशक ना दें, आप 0 की फॉर्म में देते हैं, ये सब कर रहा है। अब मेन ये है, ये तीन क्वेश्चन है, इसके आंसर अगर आप ठीक दे देंगे ना, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि ये आप गूगल पे लिखोगे, इसका आंसर आप सर्च करोगे क्या होगा, कॉपी पेस्ट ऑलरेडी कह रहा है कि अवॉइड कॉपी पेस्ट AI आंसर, ChatGPT पे भी हम नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना, तो हम इसको ChatGPT पे भी नहीं लिख सकते, तो ये आपने खुद जनरेट करना है। तो आपके सामने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आपने जस्ट वही करना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे लिखना है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेनी है, ठीक है, ताकि वो सबका सेम ना हो, सब यानी कि जितने भी लोग मेरी वीडियोज देख रहे हो तो सबका सेम ना हो। अब वो कह रहा है कि इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर दी रोल्स ऑफ ड्रॉप शिपर्स, ठीक है, वो कह रहा है कि जब हम शिप करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो क्या रोल्स होते हैं ड्रॉप शिपर के, कोरियर कंपनी एंड ड्रॉप शिपर टू अचीव हायर डिलीवरी रेशियो, तो क्या रोल होने चाहिए, ठीक है, जो कोरियर कंपनी वैसे सी अचीव करे हायर डिलीवरी रेशियो, अवॉइड कॉपी पेस्ट, वही जो मैंने कहा। तो आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, तो मैंने ये लिख ली है चीज़ें ना सारी, जो इनके तीन तीन जो क्वेश्चन मैंने पूछे हुए थे, तो ये आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने हेल्प ले लेनी गूगल से, ठीक हो गया। अब वो तो कहता है इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल ऑफ ड्रॉप शिपर्स कोरियर कंपनी एंड एसएससी ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशियो, वो कहते हैं क्या रोल होते हैं इन तीन लोगों के, ड्रॉप शिपर के, कोरियर कंपनी के और एसएससी ड्रॉप शिपिंग के, इनके क्या रोल होने चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करवा सकें, ये तीनों के रोल बताने। अब ड्रॉप शिपर का रोल क्या है कि वो कंफर्म करे कस्टमर ऑर्डर थ्रू मैसेज या कॉल, ठीक है, 2 से 3 मरतबा, एंड द कोरियर कंपनी डिलीवर पार्सल विद इन टाइम एंड मेक अ कॉल टू द कस्टमर बिफोर डिलीवरिंग अ पार्सल एज वेल एज एसएससी, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एक्सेप्ट द ऑर्डर विद द सेम डे एज ड्रॉप शिपर प्लेस एन ऑर्डर दिस स्टडी अचीव हायर डिलीवरी रेशियो। और तीनों का मैंने बता दिया कि क्या इनका जो है ना रोल होता है। इन केस ऑफ फेल और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉलिजन। अब देखो मैं जो कह रहा है कि अगर फेल हो गई और लेट हो गई डिलीवरी, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे किसी कॉज कॉज क्या हो सकती है, रीजन क्या हो सकता है। अब हमें तो नहीं पता ना क्या रीजन हो सकता है, पहले तो हमें इसको पता है हाउ कैन आई इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज, डिपेंड अपॉन यू, ये आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने करवानी। हाँ, अगर मैं ये चीजें, अगर मैं ये फॉलो करूंगा तो होगा, मैंने बताया बट आई फॉलो योर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी इफ फेल्ड, बट आई फॉलो योर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी इफ फेल्ड और लेट डिलीवरी द रीजन मे बी, मैंने कहा मैं फॉलो करूंगा आपकी जो पॉलिसी है, अगर फेल और लेट हुई तो उसका रीजन यही होगा कि मैंने जो है वो रॉन्ग कस्टमर इन्फॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, जो लेबल देते होते हैं, एज वेल एज मे बी पुअर वेदर कंडीशन भी हो सकते हैं, सो मेनी रीजन मैंने बताया, रीजन बहुत सकते हैं, आई नो दिस प्रोसेस ऑफ फेल्ड एंड लेट, ठीक हो गया। अब ये लिख दिया, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है यहाँ पर, वो कह रहा है प्लीज प्लेस स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद एसएससी ड्रॉप शिपिंग, वो कह रहा है बताओ कि आप इसको कैसे करोगे ई कॉमर्स को कैसे करोगे एसएससी ड्रॉप शिपिंग। मैंने बताया फर्स्ट आई रिसर्च अ प्रोडक्ट थ्रू एसएससी, पहले मैं रिसर्च करूंगा, देन लिस्ट अ प्रोडक्ट, फिर मैं लिस्ट करूंगा, फिर वेबसाइट पे रन ऐड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम, व्हेन आई रिसीव एन ऑर्डर आई प्लेस माय कस्टमर ऑर्डर टू एसएससी ड्रॉप शिपिंग टू प्रोसेस एज पर एसएससी पॉलिसी, ये करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना CNSE नंबर देना है, यहाँ पर आपने नंबर कंफर्म कर लेना है, ये अपलोड करना है अपना CNSE फ्रंट, और ये आपकी लाजमी, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कैम स्कैनर से आप इसको करना। अब मैं यहाँ पर अपनी फ्रंट अपलोड करता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ बैक, ये मैंने बैक कर दी,
मैंने अप्लाई कर दिया। अब बैंक नेम, मेरा अलाइड है, मैं अलाइड बैंक। अकाउंट ओनर नेम, मैंने जो अकाउंट ओनर है वो। अब यहाँ पर आपने अपना बैंक का आईबीएन नंबर के साथ, ठीक है, आपने अपना बैंक का नंबर देना है आईबीएन नंबर के साथ। तो मेरा है अलाइड का बैंक, तो यहाँ पर आपने अपना आईबीएन नंबर देना है। ये देने के बाद आपने, ये आपने चेक कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन कि आपने क्रेडिट दिया है। उसके बाद आपने ये चेक कर लें दोबारा। उसके बाद आपने आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्रीमेंट कम्प्लीटली, ये आपने रजिस्टर कर लेना। नो थैंक्स करें। ओके, योर पासवर्ड डू नॉट मैच। अच्छा, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। अब रजिस्टर करते हैं। अब ये देखें, ये इस तरह करके रजिस्टर हो गया। वो कह रहे थैंक यू फॉर अप्लाइंग मेंबरशिप ऑन एसएससी ड्रॉपशिपिंग, वी विल रिसीव योर एप्लीकेशन एंड विल लेट यू नो अबाउट आवर डिसीजन रिगार्डिंग रिजेक्शन अप्रूवल ऑफ योर एप्लीकेशन। इफ यू डोंट रिसीव आवर रिस्पॉन्स विद इन 2-3 वर्किंग डेज, प्लीज कॉन्टैक्ट लैंडलाइन। तो 2 से 3 दिन में वो आपको बता देगा आपके ईमेल एड्रेस पे कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह करके आपने अपना ड्रॉपशिपिंग अकाउंट बनाना है जी। ये देखें, अब मैंने अकाउंट वगैरह बनाया, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ है। अब मैंने 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, ठीक हो गया, कोई उनकी ईमेल नहीं आई। अब सारे कहते रहते हैं कि ईमेल नहीं आ रही, हम क्या करें, पता नहीं एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट किया। हालांकि बंदो, तुम जाके चेक तो करो ना, चेक करो अपना यूजर नेम, वो पासवर्ड डालो, ठीक हो गया, चेक करो कि वो ओपन हुआ या नहीं हुआ, कि रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। अब 3 दिन आप क्या करते हो, ईमेल का इंतजार करते हो, भाई आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो। मैंने यूजर नेम डाला, ठीक है, पासवर्ड डाला, यहाँ पर मैसेज आ गया, जैसे यहाँ पर आ रहा ना, यूजर नेम और पासवर्ड यू एंटर्ड इज इनकोरेक्ट, यहाँ मैसेज आ गया। अब जी, मैंने अप्लाई किया था कोई आज से 6-7 दिन पहले, तो मैंने 3 दिन बाद मैंने यूजर ने पासवर्ड लगाया, यहाँ पर आया कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर रिजेक्टेड फॉर एचएनसी अकाउंट। तो मैंने क्या किया, अब क्या हो गया, अच्छा मेरा तो अकाउंट रिजेक्ट हो गया, आप बैठ जाओगे, आप क्या करोगे, और डिटेल से बनाओगे। ओ भाई देखो, ई कॉमर्स का काम करने लगे हो आप, आपको चाहिए कि आपको पहले तो आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, ठीक है। मैं तो इस तरह के क्लाइंट्स वगैरह हैंडल करता रहता हूँ, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री के क्लाइंट से बातचीत करता रहता हूँ, मुझे पता है कि एक इशू आ रहा हो, जिस साइड पे इशू आ रहा हो, कोई ऐसा। देखो मैंने आपको बताया, मैंने सारी चीजें खुद लिखी। अब उसने बताया हुआ था कि आपने जो है ना, वो AI बेस्ड कंटेंट नहीं लिखना, वो बार बार कह रहा था, हम क्या करते हैं, गूगल से उठा लिया, वहां से उठा लिया। भाई आप आइडिया लो। अब मैं तो आइडिया भी नहीं लिया, ठीक हो गया। जो उन्होंने 3 स्टेप्स पूछे हुए थे, उन्होंने कहा था AI यूज नहीं करना, मैंने, मुझे सिंपल से स्टेप थे, ठीक है, वो मैंने अपने, यानी कि मैंने खुद लिखे हैं, ठीक हो गया। अब भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने उनसे बात की, ये देखें, हेलो वाई माई अकाउंट इज रिजेक्टेड बाई यू वेडनेसडे वाले दिन, यानी कि जब मैंने अप्लाई किया 2-3 दिन बाद, मैंने उनको किया हाई थैंक फॉर कॉन्टेक्टिंग फला 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 फला, यानी कि वो अपनी, फिर मैंने बताया कि मेरा ईमेल ये है, हेयर इज माई जीमेल, ठीक हो गया, आई रिसेंटली क्रिएटेड एन अकाउंट, बट When I log in, PC, account was rejected. इसका मतलब यह है कि जब मैंने ईमेल एंटर किया, ठीक हो गया, जब मैंने उसको लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद वो रिजल्ट आ रहा है। अब उसके ऊपर चढ़ जाओ कि भाई देखो, अगर आप सच्चे हो, आपने वो खुद काम किया, आप उस पर डट जाओ। मैंने कहा आई नो द ई कॉमर्स, मैंने कहा मुझे ई कॉमर्स का पता है, आई ऑलरेडी रन एड्स थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मैं ऑलरेडी एड्स ला रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप शिपिंग, बट यू रिजेक्टेड माई अकाउंट, एनी रीजन? मैं कहा मुझे रीजन बताया, नहीं रिप्लाई, कैन समवन असिस्ट मी, मैंने फिर किया, एनीवन हियर, मैंने फिर किया, कैन समवन असिस्ट, हेलो नहीं, प्लीज चेक, इट वाज रिव्यूड अगेन एंड रिजेक्शन हैज बीन रिवर्स, इट्स अप्रूव्ड नाउ। ये ले जी भाई, हो गया। क्या किया मैंने भाई, थोड़ी सी मेहनत कर ली, बात कर ली, मुझे पता है ना ये चीजें कैसे ठीक होती हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने तो वीडियो बना दिया, आप लोगों ने इनको देखना है, ठीक है, मेरी वीडियो देख के, मेरे वीडियो के क्राइटेरिया के साथ आपने HSC का ड्रॉपशिपिंग अकाउंट बनाना है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो HSC पे काम करे, वो इस पे ना जाए, जरिया पे ना जाए, फलां पे ना जाए, ठीक है। अब 3 से 4 ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, HSC ड्रॉप शिपिंग है, लोकल बाबा है, HR है, ठीक हो गया, और पार्क ड्रॉप शिपिंग है। अब इन्होंने तो कुछ ऐसे हैं पार्क ड्रॉप शिपिंग वाले, एक तो उनके रेट इतने ज्यादा, ठीक हो गया, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के भी पैसे रखे हैं उन्होंने। तो मैं, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट है एड्स के लिए, तो वो HSC ड्रॉप शिपिंग में उसको रिकमेंड करूंगा। ये देखिए, मुझे मुझे इनकी ईमेल भी है, ये प्रूफ है, ये आज ईमेल है, ये थैंक फॉर योर साइनिंग अप, योर अकाउंट इज नाउ एक्टिव। ये ले, ये रहा अकाउंट, क्या रॉकेट साइंस है, अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, अकाउंट अप्रूव नहीं। भाई देखो ना, हम जैसे लोग उस पर अकाउंट बना के ना बैठ जाते हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता, इसलिए तो वो रिजेक्ट करते हैं, वो इसलिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं वो। तो आपने यहाँ पर अकाउंट इस तरह करके बनाना, मेरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका इजिली HSC अकाउंट मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक आपने चल रहा है। पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी इस तरह की वीडियो नहीं डाली है, आई गारंटी, लोग छुपाते हैं चीज़ों को, ठीक हो गया। तो मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने भी आपकी कोई रिजेक्शन के इशूज, कोई इशूज ई कॉमर्स से रिलेटेड, एड के रिलेटेड आते रहेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूंगा। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे इससे कोई अर्निंग नहीं मिलनी, आपके कमेंट से मुझे कोई, मैं कोई इतना डकी भाई नहीं बन जाऊंगा जो मैं इतने लाखों रुपए कमा लूंगा इससे। ये मैं,
ये आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ई कॉमर्स सीखें, आप पहले ड्रॉप शिपिंग करें, ड्रॉप शिपिंग के बाद आप अपना जो है ना वाइट लेबल करें, वाइट लेबल करने के बाद आप प्राइवेट लेबल करें, ठीक हो गया। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट लाजमी करना है, जिसको कोई चीज़ पे जो फंस गया है वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको बताऊंगा, उसको गाइड करूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा मैं, ठीक हो गया। तो ये था जिसी का पूरा लेक्चर, अकाउंट लेने से बनाने से लेकर अकाउंट रिजेक्ट होने के बाद किस तरह बात करनी है, सारा A to Z मैंने बताया, ठीक हो गया। थैंक यू, अपना अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।